विशाल गाय का घर। राघव और रमोना अपने खेतों में दिन रात खूब मेहनत किया करते थे। उन दोनों का खेत पूरे गांव में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी फसल दिया करता था। राघव और रमोना हमेशा दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी बहुत करते थे। एक दिन खुदाई के दौरान रमोना को एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो राघव से कहती है, अरे ये आवाज कैसी, जरा इधर आओ। दोनों मिलकर देखते हैं कि उनके खेत के नीचे एक बहुत बड़ा गाय के रूप का घर है। उस घर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। राघव रमोना से कहता है, अरे आज से पहले इस घर को यहाँ कभी नहीं देखा, जरूर ये किसी ने यहाँ दफनाया है। रमोना, हमें तो कुछ करना होगा। मुझे तो लगता है लोग हमारी फसल से जलने लगे हैं, कोई जरूर ये जादू टोना किया है हमारे खेत पर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो, मुझे शक है कि ये सीताराम ने किया होगा। चलकर उसके खेतों में आज रात ये दबा देते हैं, सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जाते हैं और वही बड़ा सा घर सीताराम के खेतों में दबा देते हैं। ऐसा करने के बाद अगले दिन जब वो अपने खेत पर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि सीताराम का खेत एकदम उजड़ चुका है। हाय राम, ये क्या, सीताराम भाई का खेत तो देखो पूरा उजड़ चुका है, कहीं ये हमारी कल की गलती की वजह से तो नहीं। राघव रमोना से कहता है, इसी ने ये घर हमारे खेतों में किया था, ये मत भूलो, अगर हमने ऐसा ना किया होता तो ये हमारे साथ हो रहा होता। चलो काम पर चलते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से काम पर लग जाते हैं। उधर सीताराम रो रो कर बुरा हाल कर लेता है। हाय राम, ये मेरे साथ क्या हो गया, किसने किया ये मेरे साथ। राघव और रमोना जब सीताराम को देखते हैं तो उसका दुख उनसे देखा नहीं जाता और वो सारी बात सीताराम को बता देते हैं। क्या बात कर रहे हो राघव, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा और ये काम तुमने क्यों किया। चलो मेरे साथ, चलो अभी मेरे खेत में और वो गाय का घर बाहर निकालो, जरूर इसके पीछे कोई और है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तीनों मिलकर फिर से सीताराम के खेतों से वो गाय का घर बाहर निकालते हैं। उसमें एक दरवाजा था, जब उसे खोलते हैं तो वहाँ पर एक जादुई गाय बैठी हुई थी जो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये तो मैं आजाद होने के लिए यहाँ पर आई थी तुम्हारे खेतों में और तुम दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगे, अब मैं आजाद हूँ, मैं तो चली। जैसे ही वो गाय आजाद हो जाती है, जादुई घर अचानक से गायब हो जाता है। सीताराम राघव को देखता है और राघव सीताराम से माफी मांगता है। दोस्त मुझे माफ कर दो, तुम पर शक किया मैंने, ना जाने ये जादुई गाय और ये घर कहाँ से आ गए थे। तुम तो जानते हो मैं किसी का बुरा नहीं करता, मगर आज मुझसे भी गलती हो ही गई। सीताराम राघव को माफ कर देता है और एक बार फिर से राघव और सीताराम अपने अपने खेतों में फिर से मेहनत पर लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। चेन सौ पहिया ट्रैक्टर चोर। चंदनपुर गाँव में रामू नाम का एक चोर रहता था। वो अपने गिरोह के साथ चंदनपुर की गुफाओं में रहता था और आसपास के गाँव में चोरी करके अपनी गुफा में सुरक्षित पहुंच जाया करता था। चंदनपुर और आसपास के गाँव वाले बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं से बहुत परेशान थे। रामू को पकड़ने के लिए चंदनपुर गाँव और आसपास की पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन वो रामू को पकड़ नहीं सकी। रामू अपने गिरोह के साथ अपने द्वारा बनाए गए खास चेनसॉ ट्रैक्टर में बैठकर निकलता था और गांव में चोरी करके फरार हो जाता था। गांव की पुलिस ने कई बार उसका पीछा भी किया, लेकिन रामू अपने ट्रैक्टर में चेनसॉ लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते को पार कर जाता था और वो पुलिस की सारी रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ भाग जाया करता था। ये देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने मायूस होकर कहा, क्या करे इस रामू का, कैसे पकड़े इसे, इसका खास ट्रैक्टर तो रुकता ही नहीं है। बढ़ती हुई चोरियों से तंग आकर चंदनपुर और आसपास के गांव के मुखिया शहर के पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। वहां पे डीएसपी विजय सिंह ने उनकी शिकायत को सुना और रामू को पकड़ने का उपाय लगाने लगा।
उस शाम जब विजय सिंह अपनी मोटरसाइकिल में बैठ के अपने घर आ रहा था, तभी उनकी मोटरसाइकिल की चेन में कमरा फंस गया, जिसे निकालना बहुत मुश्किल था। ये देखकर डीएसपी विजय सिंह को एक आइडिया आया और वो अगले दिन ही चंदनपुर गांव पहुंचा और उसने वहां पे आसपास के सभी गांवों के मुखियों को इकट्ठा करके कहा, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग मेरे पास रामू की समस्या लेकर आए थे और मैं आपके पास हल लेकर आया हूँ। आप लोग जितना जल्दी हो सके जितना पुराना कपड़ा आप लोगों के घरों में पड़ा है वो लेकर पुलिस थाने आ जाइए। हम लोग रामू को पकड़ने का उपाय कर रहे हैं। डीएसपी विजय सिंह की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और हंसते हुए चंदनपुर के मुखिया ने कहा, अरे साहब, आप रामू को पकड़ तो सकते नहीं, अब हमारे कपड़े भी उतरवा रहे हैं। क्या मजाक है ये, कई बंदूक लाए होते, तोप लाए होते, पुराने कपड़े मंगवा रहे हैं। अरे मुखिया जी, आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए, मैं आपके कपड़े नहीं उतरवा रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पुराने कपड़े मांग रहा हूँ। चलो ठीक है, देख लेते हैं आपको पुराने कपड़े देके भी। अगले ही दिन आसपास के सभी गांव वाले गाड़ियों में भर भर कर पुराने कपड़े लेकर थाने आ गए। विजय सिंह ने गांव वालों द्वारा दिए गए कपड़े इकट्ठे करके जिस रास्ते रामू अपनी गुफा की ओर जाता था वहां पर एक गड्ढा करके उसमें दबा दिए और उसके ऊपर की मिट्टी रख दी। दो दिन बाद जैसे ही रामू एक गांव में चोरी करके गुफा की तरफ जाने लगा तो विजय सिंह ने अपनी जीप में उसका पीछा किया। रामू विजय सिंह को मुंह चिढ़ाता हुआ जा रहा था, अरे आइए आइए अफसर साहब, आइए आइए, पीछा कीजिए, पकड़िए, देखते हैं कैसे पकड़ते हैं मुझे। जैसे ही रामू उस जगह पहुंचा जहां कपड़े रखे हुए थे, उसके ट्रैक्टर की चेन सॉ में सारे कपड़े फंस गए और उसका ट्रैक्टर वहीं पे फंस कर रह गया। पुलिस ने चारों ओर से रामू के ट्रैक्टर को घेर लिया और सभी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। सभी गांव वालों ने डीएसपी विजय सिंह की काफी तारीफ की और इस तरह से डीएसपी विजय सिंह ने पुराने कपड़ों की मदद से रामू के चेन सॉ ट्रैक्टर को पकड़कर चंदनपुर और आसपास के गांव वालों को रामू के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। गधे का दूध। रमा नाम की एक महिला अपने पति को कई साल पहले खो चुकी थी। उसका एक ही बेटा था राकेश। रमा अपने बेटे राकेश से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें थी। वो जब कभी किसी अपनी गांव की महिला, सहेली या पड़ोसन से मिलती, उससे हमेशा अपने बेटे राकेश की खूब तारीफ करती। एक दिन रमा बाजार जा रही थी कि रास्ते में उसे यशोदा मिलती है, जो उसकी सहेली थी। अरे अरे रमा, कहाँ जा रही हो? कैसी हो यशोदा, बड़े दिनों बाद देखा तुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, अपने बेटे के लिए जरा साग सब्जी लेने जा रही हूँ। दिन रात पढ़ाई करता है, क्या बताऊँ, उसकी मेहनत देखकर तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तू देख लेना, मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, हाँ, और बहुत बड़ी गाड़ी में घूमेगा। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है रमा। अच्छा अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रमा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हद से ज्यादा अपने बेटे पर भरोसा करती थी और भरोसा करने से भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि वो हर किसी से अपने बेटे की खूब बड़ाई करती और उन्हें बताती कि उनका बेटा कितना महान है। एक दिन जब रमा दोपहर के समय सो रही थी, अचानक उसने देखा कि उसका बेटा बहुत सारे गधे लेकर घर पहुंचा है। अरे 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 राकेश, इतने सारे गधे, हाय राम, मैं तो पूरे गांव को कहती घूम रही हूँ कि तू बड़ा अफसर बनेगा, और ये देख, तू तो इतने सारे गधे लेकर घर पहुंच गया है। आखिर तू चाहता क्या है रे, तुझे कभी पड़ता नहीं देखती, ना जाने तू क्या करेगा। माँ, तुम यूं ही परेशान हो रही हो, बस मुझे 4 दिन दो, 4 दिन बाद देखना, तुम्हारे घर के आगे जैसी गाड़ी कहोगी वैसी खड़ी कर दूंगा। हाँ ठीक है रे, ठीक है, जैसा तू कहे। रमा चुपचाप बैठ जाती है और 4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती। उसे ये डर था कि कहीं उसका बेटा उससे झूठ तो नहीं कह रहा। लेकिन 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद रमेश के पास बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं।
अब वो गधों का दूध बेचना शुरू कर देता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अचानक उसके पास ढेर सारा पैसा हो जाता है। नई नई गाड़ियां आ जाती हैं और घर की मरम्मत भी शुरू हो जाती है। यह सब देखकर रमा की छाती खुशी से फूली न समाती। वो चार दिन बाद घर से बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों से कहती है, देखा मैं कहती थी ना, मेरा बेटा एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। मगर रमा, तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। अफसर कहाँ बना, वो तो देखो गधे का दूध निकाल रहा है। अरे अरे कुछ भी करे, बस वो खुश रहे और हमारे गांव का हम सबका नाम रोशन करे, क्यों ठीक है ना? हाँ, अब तुमने सही बात करी रमा।